देखिए, हम सबको भारतीय सेना पे नाज है, फक्र है, और भारतीय सेना के शौर्य, उनके साहस को हम सलाम करते हैं। भारतीय सेना चीन को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है और देती आई है और आगे भी देगी। लेकिन चीन का जो दुस्साहस बढ़ता जा रहा है, जो लगातार उनका दुस्साहस बढ़ रहा है, जो ये नापाक इरादे आए दिन चीन अपने जाहिर करता है, उसको गंभीरता से लेते हुए उस पर चर्चा होनी चाहिए। और जो तवांग का एक क्लैश हुआ भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में, वो शायद 9 दिसंबर का था, जो माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी सदन में बताया। उसे 3-4 दिन तक सदन के सामने नहीं रखा गया, जबकि पार्लियामेंट सत्र चल रहा था। एक प्रक्रिया रही है कि जब भी ऐसी कोई झड़प होती है, क्लैश होता है, और अगर पार्लियामेंट, भारत का संसद, सत्र में हो, चल रहा हो, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया रक्षा मंत्री जी वहां कर देते हैं। लेकिन मीडिया के हवाले से ये सारी खबरें आई, साथ ही साथ चीनी दुस्साहस जैसे बढ़ता जा रहा है, इन सारे विषयों पे चर्चा होनी चाहिए। और पूरा पूरा सदन, सारी पार्टियां भारतीय सेना के साथ एकजुट खड़ी है। इस विषय पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, सब एकजुट भारतीय सेना के साथ खड़े होकर उन्हें सलाम करें, उन्हें उनके उनके शौर्य को, उनके साहस को सलाम करें। भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देगी चीनी सेना का। एक बहुत ही बेहतरीन सुझाव दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की ओर से आया है कि चीन का ये जो दुस्साहस है, इस नापाक इरादे जो चीन के, इनसे लड़ने के लिए एक और हथियार भारत के पास है, और वो है कि जितना भी ट्रेड, जितना भी व्यापार चीन के साथ चलता है, उसे बंद कर दिया जाए। अगर हम चीनी सामान नहीं खरीदेंगे, अगर भारत के अंदर चीनी सामान नहीं आएगा, तो चीन की अर्थव्यवस्था डगमगा आ जाएगी। और चीन को केवल आप फौज के जरिए ही नहीं, आर्थिक तौर पर भी उन पर हमला करें, ताकि उन्हें एक सबक मिले कि भारत के साथ ऐसे आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण है, उसके साथ खिलवाड़ आप नहीं कर सकते। एक बहुत ही अच्छा सुझाव है, मैं चाहूंगा कि भारत सरकार इस पर गौर करे। इससे स्वदेशी प्रोडक्ट जो है उनकी बिक्री भी बढ़ेगी, भारत में रोजगार भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ व्यापार के तौर पे, आर्थिक तौर पे चीन पर एक बहुत बड़ा प्रहार हो।